हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने पैरों को कितना खूबसूरत बना सकते हैं सिर्फ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके। जी यस, तो आज मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगी और अपने पैरों को आप घर पे ही जो है पेडिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने नेल्स की जो नेल पेंट है उसको रिमूव कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपके साइड से जैसे हो जाते हैं ना ब्लैक बेरे भी हैं तो उसे अच्छे से पहले क्लीन कर लें। और अगर इस टाइम पे नहीं करें तो जब आप सोक करके रखेंगे ना, आगे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी, उसमें आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सोक के लिए, यानी कि इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा। आप एलोवेरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हनी, और ये जो पानी है थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा गर्म है, गुनगुना पानी जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं यहाँ पे हाफ़ लेमन जो है अच्छे से स्क्वीज कर लूँगी, और उसके बाद उसी का जो हाफ़ लेमन है उसको छोड़ दूँगी पानी में, और अपने पैरों को इसके अंदर डुबा के रखूँगी 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, जब तक आप कंफर्टेबल हैं। जितना आप सोक करके रखेंगे उतना ही आपके जो पैर अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। तो और ये जो नींबू का जो छिलका है उसे अच्छे से मसाज भी कर लीजिए उसी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक जो है सोक करके रखा था, उसके बाद जो है मैंने इसे अच्छे से वॉश करके सोक पूछ लिया है। और उसके बाद जो साइड्स के जो ब्लैक्स वो होते हैं आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप का हम करेंगे एक्सफोलिएट यानी कि स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मलाई, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉफ़ी, नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी शुगर, चीनी। चीनी के अगर दाने बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप उसे हल्का सा बारीक कूट लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो आपको ध्यान रखना है जो शुगर है वो बहुत ही माइल्ड होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अपने पैरों पे इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने बताए हैं ये आपके घर में आराम से अवेलेबल हो सकते हैं, और आप इसमें से कोई भी एक स्टेप फॉलो करके रेगुलर भी आप अगर आप करना चाहें जैसे सोक या एक्सफोलिएट तो भी आपके पैर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से मैं मसाज कर लूँगी 5 मिनट तक, और उसके बाद हल्के गर्म पानी से मैं इसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ऑयल और क्रीम है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा आपका जो लेग है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, लास्ट एंड थर्ड स्टेप है वो है मसाज। तो मसाज के लिए हम आगे जो है स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पैर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही क्लीन हो चुके हैं, और ये बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मसाज के लिए कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अगर है, ये पेपरमिंट का है जो कि हमारे पैरों को बहुत ठंडक पहुँचा रहा था, तो इसलिए मैंने पेपरमिंट यूज़ किया है। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है साथ के साथ इसको अच्छे से जो है मैं मसाज कर लूँगी इसको मिक्स करने के बाद। और इसके बाद मैंने यूज़ किया था 3 इंग्रेडिएंट, कोकोनट ऑयल, एसेंशियल ऑयल और एलोवेरा जेल। इसको अच्छे से मसाज करेंगे अपने लेग्स पे, अपने इसे अच्छे से क्लीन करके बहुत अच्छे से आपको मसाज करना है जितनी देर आपको कंफर्टेबल रहे। आप देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, साथ के साथ जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, इनके ऑब्जर्व ना हो जाए, तब तक आपको मसाज करना है। उसके बाद आप इसे हल्के से गर्म पानी से या तो धो सकते हैं, नहीं तो अच्छे से रात में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे सॉक्स पहन के सो सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नेल पेंट लाइट कलर की। तो आप देख सकते हैं ये 3 स्टेप में बहुत ही जल्दी से 10 से 15 मिनट आप मान के चलें तो बहुत ही अच्छा सा हमारा पेडिक्योर घर में ही हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यानी कि विदाउट एनी मनी। मैंने इस पर सिर्फ कुछ भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, ये सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी। तो आप ये देख सकते हैं पैरों का मेरा बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, साथ के साथ क्लीन भी हो गए हैं। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।